हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो बात करेंगे JOAIT जो कि आपका पोस्ट कोड है 817। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिल करेंगे और आपको जो डिपार्टमेंट है वो आपको इवेल्यूशन के समय किस प्रकार से उसमें जो है आपने सेलेक्ट करना है, और इसमें साथ में हम बात करेंगे इसमें रेगुलर पोस्ट और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट होती है उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो में जो है आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अभी जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये जो है आपका जो पिछली बार इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं JOAIT जो कि आपका पोस्ट कोड है 556। तो जो आप इससे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका पोस्ट कोड आपका 556 था, और साथ में हम डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल 53 डिपार्टमेंट थे इससे जो पहले हुआ था एग्ज़ाम। तो दोस्तों इसके हम बात करें आपको इसको किस प्रकार से फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो डिपार्टमेंट को आप सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको नंबर एक देना पड़ेगा, और सेकंड पे कौन सा चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे सभी के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 53 डिपार्टमेंट पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो जो आपकी 53 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई थी। तो आपको जो सारे जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट फिल करने पड़ेंगे, आपको किससे सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी। जैसे कि आपने फर्स्ट पे एक्साइज डिपार्टमेंट दे दी, सेकंड पे आपने एजुकेशन वाली दे दी, हेल्थ वाली दे दी, या आपने कोई और दे दी, उस हिसाब से आपको 53 यहाँ पे जो है यहाँ पे 53 डिपार्टमेंट यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम जो है नीचे यहाँ पे आपको कुछ नोट दिया गया था पिछली बार कि इस पे यही बताया गया है कि आपको 53 सभी के सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे जिस जिस की आपकी जो वैकेंसी इसमें आई थी। और साथ में यहाँ पे बताया गया 85 जो आपके डायरेक्ट रेगुलर पोस्ट जो है इस पे रखे जाएंगे, और बाकी जो सारे के सभी यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। तो दोस्तों पिछली बार जो वैकेंसी थी वो आप अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी वैकेंसी जो इससे जो पहले वाला एग्ज़ाम होता उसमें थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बार भी कुछ इसी प्रकार से आपको वहाँ पे जो है फॉर्म दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपके टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं। तो आपको इसी प्रकार से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 53 यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको सभी का नाम जो है उस फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों अपने जो आप सबसे पहले प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आपको नंबर एक पे, सेकंड पे, उसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सभी के सभी आपको इस प्रकार से फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बार की हम वैकेंसी की बात करें किस किस में वैकेंसी आई है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं पोस्ट कोड 817 की जो बाकी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के बारे में, जहाँ पे आप जो है इलेक्शन स्टेट यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट है। तो आप यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको टोटल कितने इसमें डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों इस बार जो टोटल डिपार्टमेंट है वो आपके 60 डिपार्टमेंट है। इसमें दोस्तों आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ भी हुई है, वो आपको पता है कि पिछली बार जो है जो इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो आपकी 1200 के करीब थी, लेकिन उसके बाद जो है इसमें वैकेंसी प्लस हुई थी और आपकी 1800 के करीब है। तो इसमें आपकी वैकेंसी सभी प्लस है, जो आपकी सबसे पहले वाली नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हैं इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो आप यहाँ पर इसको देख के आप एक वहाँ पे जो आपको न्यू फॉर्म दिया जाएगा आपको जो है उसमें फिल करना पड़ेगा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपका एक्साइज डिपार्टमेंट आएगा, क्योंकि सभी चाहते होंगे कि उनको रेगुलर पोस्ट यहाँ पे मिल जाए। तो आप उसके बाद आप यहाँ पे देख ले आपको कौन कौन सा यहाँ पे जो है अपना डिपार्टमेंट आपको कौन सा प्रेफरेंस आपको सबसे पहले देनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जो आप लाइक कर दे, और साथ में चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।